गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर आर के कटेवा, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आज अपन चर्चा करेंगे सहकारी उपभोक्ता भंडार। सहकारी उपभोक्ता भंडार क्या हैं, इनकी आवश्यकता क्यों है, क्या इनका अर्थ है, क्या उद्देश्य हैं, इनका प्रारंभ कहाँ से हुआ, इन भंडारों का सदस्य कौन हो सकता है और इन भंडारों का प्रबंधन कैसे है, इन बातों पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन भूमिका की बात कर रहे हैं। भूमिका में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सहकारी उपभोक्ता भंडार हर व्यक्ति को कैसे सहयोग करता है, इस पे अपन बात करें तो देखिए, विश्व में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ का उपभोग अवश्य करता है। उपभोग मानव जाति की सहज प्रक्रिया है, अतः उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य निकट का संबंध होना आवश्यक है। इस प्रकार एक उपभोक्ता सहकारी समिति वह है जो व्यक्तियों द्वारा उपभोक्ताओं के रूप में संगठित की जाती है, ताकि फुटकर कीमतों में से मध्यस्थ का लाभ बचाया व हटाया जा सके। उत्पादक व उपभोक्ता के बीच मध्यस्थों की एक कड़ी होती है जो उत्पादक के माल को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार माल उपभोक्ता तक पहुंचने से पूर्व कई हाथों से गुजरता है। इन मध्यस्थों की सेवाएं वस्तुओं की कीमत में जुड़ जाती हैं, जिससे वस्तुओं की कीमतें प्राय ऊंची हो जाती हैं और उपभोक्ताओं को हानि होती है। इस हानि से बचने के लिए सभी उपभोक्ता संगठित होकर सहकारी समितियों के माध्यम से अपने उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन्हें उपभोक्ता सहकारी समितियां कहा जाता है। एक विद्वान ने अपने शब्दों में कुछ बोला है, जो विद्वान का नाम है रॉबर्ट ओवेन। ये कहते हैं, यदि आप स्वयं ही अपने व्यापारी और निर्माता बन जाएं, तो स्वयं को अच्छी से अच्छी किस्म की वस्तुएं न्यूनतम कीमत पर सप्लाई कर सकेंगे। अर्थात उनका मानना है कि उपभोक्ता को संगठित होकर थोक में क्रय करना चाहिए और फिर वस्तुएं आपस में वितरित कर लेनी चाहिए। ऐसा करने पर ही सीमित आय से अधिक आवश्यकताएं व अच्छी उपभोग वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं। सामान्यतः देखने में आया है कि मध्यस्थ वर्ग उपभोक्ता का अनेक तरीकों से शोषण करते हैं, जैसे वस्तुओं में मिलावट करना, कम तोलना, वस्तुओं की कालाबाजारी करके ऊंची कीमत वसूल करना। ये सब चीज़ें मध्यस्थ वर्ग करता है। उपभोक्ता सहकारी समितियां इन सब बुराइयों को समाप्त कर रास्ता निकालती है। भारत जैसे देश में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है, वहाँ इन समितियों का विशेष महत्व है। इसका अर्थ क्या है सहकारी उपभोक्ता समितियों का? सहकारी उपभोक्ता समितियाँ उपभोक्ताओं का एक ऐसा ऐच्छिक संगठन है जो उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जिसमें उपभोक्ता सीधे निर्माताओं से थोक मात्रा में वस्तुएं खरीदकर आवश्यकता अनुसार वितरित कर लेते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं शुद्ध सही तौल व उचित कीमत पर उपलब्ध हो जाती है। दूसरे शब्दों में यदि मैं इसी बात को कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि उपभोक्ता सहकारी समिति एक ऐसा संगठन है जो सहकारी सिद्धांतों पर संचालित होता है तथा जिसका उद्देश्य अपने सदस्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर स्वच्छ एवं शुद्ध वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाना है, ताकि उन्हें मध्यस्थों के शोषण से मुक्त किया जा सके। ये इसका अर्थ परिभाषा हो गई। आप
इनके उद्देश्य के बारे में अपन बात करें, उद्देश्य क्या क्या हैं इसके, देखिए कई उद्देश्य हैं। आपने अर्थ को जो पढ़ा तो उसमें आप समझ रहे होंगे कि इसका उद्देश्य क्या होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। उपभोक्ता सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों एवं ग्राहकों को उचित मूल्य पर शुद्ध वस्तुएं उपलब्ध करवाना है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि ग्राहकों को उचित मूल्य पर शुद्ध वस्तुएं उपलब्ध करवाना। इसके अतिरिक्त और भी कुछ उद्देश्य हैं जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जैसे बिचौलियों को समाप्त करना, मध्यस्थों को समाप्त करना, उत्पादकों के एकाधिकार को समाप्त करना, मांग व पूर्ति में संतुलन स्थापित करना, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि करना, छोटे उत्पादकों को संरक्षण देना, अवांछित व्यापारिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना, मितव्ययिता व बचत को प्रोत्साहन देना, मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना, शुद्ध व सही मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाना, सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली को बढ़ावा देना, सदस्यों में पारस्परिक सहयोग स्थापित करना, ये सब इनके उद्देश्य हैं। अब उपभोक्ता सहकारिता का उद्गम एवं विकास कहाँ से हुआ, क्या हुआ, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। ये उपभोक्ता सहकारी समितियों का आरंभ सबसे पहले इंग्लैंड में स्थित रॉकडेल नामक नगर में एक उत्साही तथा क्रमशील व्यक्तियों के द्वारा किया गया। इसके बाद 21 दिसंबर 1844 में बुनकरों ने मिलकर एक सहकारी भंडार की स्थापना की। इस भंडार की सफलता से प्रेरित होकर यूरोप के अन्य देशों में भी उपभोक्ता सहकारिता का प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सहकारी भंडारों ने खाद्य सामग्री तथा ईंधन की पर्याप्त व्यवस्था करके उनके मूल्यों को नियंत्रित करने में विशेष सहायता प्रदान की। उपभोक्ता सहकारिता के माध्यम से बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। उपभोक्ता सहकारिता का विकास पूर्वी यूरोपीय देशों में सबसे अधिक हो रहा है। इसकी सदस्यता कैसे ग्रहण की जा सकती है, कौन इसके सदस्य होते हैं, इसके बारे में बहुत सीधा सिंपल सटीक मामला है। उपभोक्ता सहकारी भंडारों की सदस्यता खुली एवं ऐच्छिक है। भारत में कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो वो इसका सदस्य बन सकता है। यद्यपि इन सहकारी संस्थाओं में सदस्यता खुली एवं स्वैच्छिक है, तथापि हर कोई व्यक्ति इसका सदस्य बनने का दावा नहीं कर सकता। किसी समुचित कारण के आधार पर संचालक मंडल किसी व्यक्ति को सदस्य बनाने से इनकार कर सकता है, लेकिन किसी बिना कारण के किसी व्यक्ति को सदस्यता से वंचित नहीं किया जा सकता। कोई भी क्लब, संस्थाएं, अर्ध सरकारी संस्थाएं, स्कूलें आदि सहकारी भंडारों की सदस्यता बन सकती है। ये सदस्यता के बारे में आपको बताया। फिर आगे है उपभोक्ता सहकारी भंडारों का प्रबंधन कैसे होता है। तो प्रबंधन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बिना मजबूत और अच्छे प्रबंधन के कोई भी संगठन, कोई भी भंडार कार्य नहीं कर सकते। इसलिए इसका प्रबंधन कैसे होता है भंडारों का। किसी भी उद्यम की सफलता उसकी प्रबंध कुशलता पर निर्भर करती है। इस कारण इन सहकारी उपभोक्ता भंडारों का संचालन व प्रबंधन विशिष्ट तरीके से होता है। इन समितियों के सफल संचालन के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जिन्हें वस्तुओं के क्रय विक्रय, परिवहन, संग्रहण, विधायन, मूल्य निर्धारण, विज्ञापन आदि का विशिष्ट ज्ञान होता हो। इन समितियों की प्रबंध व्यवस्था लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है। समिति की सर्वोच्च सत्ता साधारण सभा में निहित होती है। साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जाती है। साधारण सभा द्वारा संचालन मंडल की नियुक्ति की जाती है जो इनके निर्णयों को क्रियान्वित करता है। सहकारी उपभोक्ता भंडारों की प्रबंध व्यवस्था में सबसे पहला नाम आता है संचालक मंडल। सहकारी उपभोक्ता भंडारों की प्रबंध व्यवस्था संचालक मंडल द्वारा की जाती है। संचालक मंडल में 9 सदस्य होते हैं जिनमें से एक सदस्य रजिस्ट्रार द्वारा मनोनीत होता है। संचालक मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव करता है।
संचालक मंडल के सदस्य अवैतनिक पदाधिकारी होते हैं। संचालक मंडल की बैठक अध्यक्ष के निर्देश पर आवश्यकता पड़ने पर 3 माह बाद भी बुलाई जा सकती है। इस बात की सूचना सचिव के द्वारा प्रत्यक्ष सदस्य को समय रहते दे दी जाती है। दूसरा इसमें है उप समितियाँ, सब कमेटी। संचालक मंडल प्रतिवर्ष 3 सदस्यों की एक अथवा एक से अधिक उप समितियाँ गठित करता है। इन 3 सदस्यों में से 1 सदस्य भंडार का अध्यक्ष होता है। संचालक मंडल इन समितियों को अधिकार एवं कर्तव्य सौंपता है। संचालक मंडल के निर्देशों के आधार पर उप समिति को भंडार के लिए माल क्रय करने, खर्चे करने, माल का विक्रय मूल्य निर्धारित करने, विक्रय मूल्य की सूची तैयार कर भंडार पर लगाने का अधिकार है। इस समिति की अध्यक्षता भंडार का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष चेयरमैन। अध्यक्ष उपभोक्ता सहकारी भंडार का मुख्य नियंत्रक होता है। भंडार के कार्यों को विधिवत चलाने, देख रेख करने एवं नीति संबंधी कार्यों का नियंत्रण के लिए अध्यक्ष ही उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन। अध्यक्ष के सभी अधिकारों का प्रयोग अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है, किंतु इनके प्रयोग के लिए लिखित अनुमति पहले ही लेना आवश्यक होता है। तीसरा पदाधिकारी सचिव, सेक्रेटरी। भंडार का सचिव मंत्री होता है, जो वैतनिक कर्मचारी होता है। अध्यक्ष के आदेशानुसार भंडार के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख सचिव के द्वारा की जाती है। सचिव की नियुक्ति रजिस्ट्रार सहकारी समितियों की अनुमति से ही की जा सकती है। अगला जो व्यक्ति है वो होता है ट्रेजरार, कोषाध्यक्ष। सचिव द्वारा किए गए धन को सुरक्षित, सचिव द्वारा प्राप्त किए गए धन को सुरक्षित रखने का कार्य कोषाध्यक्ष करता है। इसके अतिरिक्त वह यह भी देखता है कि दैनिक बिक्री की रकम आवश्यकतानुसार बैंक में जमा करा दी गई है तथा थोक भंडार को जमा करा दी गई है। कोषाध्यक्ष के पास जब भी संचालक मंडल द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि एकत्रित हो जाती है, वह उसे बैंक में जमा करा देता है। इस प्रकार से ये सिस्टम संचालित होता है। अब अपन उपभोक्ता सहकारी भंडार की भूमिका, अर्थ, परिभाषा, उपभोक्ता भंडार के उद्देश्य, इसके उद्गम में विकास, इनकी सदस्यता और इनका प्रबंधन, इन पे अभी अपन ने चर्चा की है। नेक्स्ट टॉपिक में ये टॉपिक अभी पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन इनके संगठन और ढांचे के बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।